सब्सक्राइब करें इंडिया रिएक्शन रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने संसद भवन में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बड़ी बड़ी बहस करते हुए सुना होगा, उनको जगह जगह पर भाषण देते हुए भी सुना ही होगा, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए भी सुना होगा, टीवी पर बिना बात की बहस करते हुए चिल्लाते हुए भी सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं इन राजनेताओं को प्यार भी हो सकता है? जी हाँ, मैं एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको इन राजनेताओं की लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी पत्नी सीमा नकवी के लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी जी की लव स्टोरी बेहद ही दिलचस्प और फिल्मी पर्दे की किसी कहानी जैसी ही है। कॉलेज के दिनों में नकवी जी की पहचान एक तेज तर्रार नेता की थी, वहीं दूसरी ओर सीमा जी की पहचान एक शर्मीली लड़की की थी। दोनों के स्वभाव अलग अलग होने के साथ साथ धर्म भी अलग अलग थे, तो ये दो अलग अलग स्वभाव के लोग एक कैसे हो गए, इसकी कहानी भी काफी रोचक है। नकवी जी अपनी इस लव स्टोरी के बारे में बस इतना कहते हैं, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, इसे पहली नजर का प्यार ही कहेंगे। इन दोनों की लव स्टोरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 दशक पहले 1982 में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई, जहां कॉलेज में नकवी एक अच्छी पर्सनालिटी वाले नेता के रूप में जाने जाते थे, जबकि सीमा एक शर्मीली लड़की थी। सीमा ना तो लड़कों से बात करती थी और ना ही किसी लड़के के साथ अपना नाम जड़ना उन्हें पसंद था, लेकिन स्वभाव में अंतर होने के बावजूद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब बिंदास और साफ दिल नकवी को सीमा अपना दिल दे बैठी। ये भी सच है कि बिना दिक्कतें हुए कोई भी लव स्टोरी पूरी नहीं होती। कुछ ऐसा ही प्रेम कहानी में भी हुआ, क्योंकि सीमा हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी और नकवी मुस्लिम परिवार से। उनके परिवार को सीमा का नकवी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। उस समय नकवी पढ़ाई कर रहे थे। सीमा की माँ सिरे से इस रिश्ते के खिलाफ थी, उन्हें नकवी से मिलने की सख्त मनाई थी, लेकिन प्यार तो प्यार ठहरा। तमाम पहरे लगाए जाने के बाद भी दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। माँ की मनाही के बाद सीमा कोई ना कोई बहाना बनाकर नकवी से मिलने जाया करती थी। कभी वो एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर नकवी से मिलती थी, तो कभी और किसी काम के बहाने वो नकवी से मिलने जाया करती थी। आखिरकार उनका प्यार रंग लाया, सीमा की माँ मान गई, और इन दोनों के प्यार के आगे आखिरकार सीमा की माँ और पूरे परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 1983 में 3 जून के दिन दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इस कपल ने 3 तरीके से शादी की रस्में पूरी की। सबसे पहले कोर्ट में शादी रजिस्टर कराई, फिर निकाह किया और उसके बाद 7 फेरे लिए। सीमा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे धर्म से हूँ, मुझे अपने ससुराल में भी उतना ही प्यार मिला। और उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में हर साल होली, दिवाली और ईद सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस लव कपल का एक बेटा भी है, उसका नाम अर्शद है। तो ये थी श्री मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा नकवी जी की लव स्टोरी। आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं अगले एपिसोड में किसी और एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन की लव स्टोरी के बारे में आपसे बात करूंगा, तो प्लीज आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसा ही प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद।